हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस का 5वां अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन याद रहे बच्चों, एक बार पाठ को जरूर से जरूर पढ़ लें ताकि जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे वे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 विज्ञान का 5वां अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण, और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। और उत्तर आप देख सकते हैं, किस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, एक टेबल सी बना लें और यहाँ पर लिखें अम्ल और यहाँ पर क्षारक, और दोनों में अंतर बताएंगे आप। तो याद रहे, नंबर एक लिखेंगे यहाँ पर, अम्ल में इसका स्वाद खट्टा होता है, और क्षारक में लिखेंगे इसका स्वाद कड़वा होता है। इसके बाद नंबर दो पर लिखेंगे आप, जब लिटमस बिलियन में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है, और क्षारक वाले में लिखेंगे जब लिटमस बिलियन में डाला जाता है तो यह नीला हो जाता है। तीसरा लिखेंगे अंतर, उदाहरण के लिए दही, नींबू का रस और सिरका, और यहाँ पर लिखेंगे आप क्षारक वाले में, उदाहरण लिखेंगे खाने वाला सोडा, साबुन और चूने का पानी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अच्छे से लिखें और उसे याद भी करें। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न आपका, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की, साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है? तो क्या लिखेंगे आप उत्तर? उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, उत्तर लिखेंगे अमोनिया लाल लिटमस को नीला कर देती है, इसलिए अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। कैसी है? क्षारीय, याद रखेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस बिलियन को प्राप्त किया जाता है, इस बिलियन का क्या उपयोग है? और इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, लिटमस को लाइकेन से निकाला जाता है, आशुद्ध जल में इसका माव यानी कि नील सोण होता है, जब एक अम्लीय बिलियन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, जब एक क्षारीय बिलियन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है, इसका उपयोग बिलियनों के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों, चौथा प्रश्न है आपका यहाँ पर, क्या आशुद्ध जल अम्लीय क्षारीय उदासीन होता है, आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो आप उत्तर में लिखेंगे, आशुद्ध जल प्रकृति से उदासीन होता है, हम लिटमस परीक्षण द्वारा इसे सत्यापित कर सकते हैं, आशुद्ध जल लाल या नीले लिटमस के रंग को नहीं बदलता है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये चौथा प्रश्न है आपका और उसका उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 5, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे, जब एक अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो अम्ल की अम्लीय प्रकृति और क्षार की क्षारीय प्रकृति दोनों ही समाप्त हो जाती है, परिणामी विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय या उदासीन हो जाता है, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण के रूप में जाना जाता है। कम सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को परख नली में एक चौथाई भरें और लिटमस विलयन की कुछ बूंदें डालें, अब विलयन का रंग लाल हो जाता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को इस अम्लीय विलयन में धीरे धीरे ड्रॉपर से मिलाएं, परख नली को धीरे से हिलाएं, रंग के हरा होने तक हिलाते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद मिलाते रहें, इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों। ये था आपका 5वां प्रश्न, थोड़ा उत्तर लंबा है लेकिन याद रखें और अच्छे से इसे समझें। इसके बाद बच्चों आगे है आपका 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो ट्रू का अथवा गलत है तो फॉल्स का लगाएं, यानी कि टी और एफ आपने लिखना है, सत्य और असत्य यहाँ पर बताना है। कह है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये आपका सत्य है या असत्य है आप सोचें। खै वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? और गै वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? और गै वाला है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, और चय वाला है, दंत क्षार की उपस्थिति के कारण होता है।
तो यहाँ पर आप उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे कह का लिखेंगे आप, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह फॉल्स यानी कि ये गलत है। और खै वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी फॉल्स है। और इसके बाद है गै वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, तो ट्रू है, सत्य है ये, इस प्रकार से लिखें आप। और घे वाला लिखें, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, तो ये भी ट्रू है, सत्य है ये बच्चों। और चय वाला है, दंत चय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है यानी कि ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन्हें ट्रू और फॉल्स लगा सकते हैं बच्चों। ये था आपका यहाँ पर छठा प्रश्न, जिसमें आपने टी और एफ लिखना था, यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखना था। तो उत्तर आप इस प्रकार से यहाँ से देखकर लिखें और उसे अच्छे से समझें, याद भी करें। अगला है बच्चों सातवां प्रश्न आपका, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी कि मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है, देख रहे ना आप। यह आपका सातवां प्रश्न और उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, दोरजी इन पेय पर लिटमस परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं, बस लिटमस पत्र पर पेय की कुछ बूंदें डालें और निम्नलिखित के अनुसार निर्णय लें। और कैसे निर्णय लेंगे आप देखें, नंबर एक, यदि वह नीला हो जाता है तो पेय क्षारीय है, यदि वह लाल हो जाता है तो पेय अम्लीय है, और यदि वह हरा हो जाता है तो पेय कैसा है, उदासीन है। तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं दोरजी का परीक्षण, ठीक है। इसके बाद आठवां है यहाँ पर प्रश्न आपके लिए बच्चों, समझाइए ऐसा क्यों होता है। और कह है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, समझाना है आपने। और ख वाला है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। और गै वाला है आपके लिए, कारखाने के अवशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। उत्तर में आप इस प्रकार से लिखें, कह का उत्तर लिखेंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण हम अति अम्लता से पीड़ित होते हैं। एक प्रति अम्ल की गोली में दूधिया मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक क्षार होता है, यह अम्ल की अधिकता के प्रभाव को कम करता है और आराम दिलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके का के लिए। और खै के लिए आप क्या लिखेंगे, चींटी के डंक में अम्ल फार्मिक एसिड होता है जो त्वचा पर जलन पैदा करता है, कैलामाइन के घोल में जिंक कार्बोनेट होता है जो एक क्षार है, कैलामाइन का विलयन त्वचा पर लगाने से डंक के अम्ल को उदासीन किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका खा के लिए। और गै के लिए आप लिखेंगे, कारखानों के अवशिष्ट में अम्ल होता है, यदि उन्हें जलाशयों में बहने दिया जाता है तो अम्ल जीवों को हानि पहुंचाएंगे, इसलिए कारखाने के अवशिष्ट में क्षार पदार्थों को मिलाकर उदासीन कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका गै का उत्तर और इस प्रकार से आप लिखेंगे। आप ध्यान दें बच्चों, ध्यानपूर्वक लिखें। ये आठवां प्रश्न आपका, समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो ये जो आपके कह खे गए हैं तीन यहाँ पर, इनके बारे में आपने समझाना है। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिखते हैं, कह के लिए और खे के लिए और फिर गह के लिए। अगला है बच्चों नौवां प्रश्न आपका, आपको तीन द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर इस प्रकार से लिखें, हल्दी का रंग पीला होता है, जब इसमें क्षार मिलाया जाता है तो विलयन गुलाबी रंग में बदल जाता है, जब इसमें अम्लीय या उदासीन विलयन डाला जाता है इसका रंग नहीं बदलता है। हम क्षार अम्लीय उदासीन की पहचान करने के लिए निम्न चरणों का पालन करेंगे। और कैसे कैसे करेंगे, नंबर एक लिखेंगे आप, प्रत्येक घोल से कुछ बूंदें लें और हल्दी के घोल से इसका परीक्षण करें, अगर घोल गुलाबी रंग में बदल जाता है तो वह घोल क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है और क्षार के रूप में उसको चिन्हित करें। अगला लिखेंगे, एक परख नली में कुछ क्षार घोल लें और दूसरे घोल में डालें, जांचें कि क्या परख नली गर्म हो गई है और फिर उसमें हल्दी घोल डालें, यदि रंग नहीं बदलता तो इसका मतलब है कि मिलाया गया विलयन अम्लीय अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यदि उपरोक्त घोल की परख नली गर्म नहीं होती है और हल्दी डालने पर यह गुलाबी रंग नहीं दिखाती तो दूसरा घोल उदासीन यानी शक्कर का विलयन है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने इस नवे प्रश्न का उत्तर। आप एक बार फिर से देखें, ध्यान दें, ये आपका नवा प्रश्न है। आपको तीन द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो उत्तर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगला है यहाँ पर बच्चों दसवां प्रश्न आपके लिए, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया
यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। तो यहाँ पर आप उत्तर इस प्रकार से लिखें, यदि किसी विलयन में नीला लिटमस डूबने पर नीला ही रहता है तो इसका मतलब है कि विलयन या तो क्षार है या उदासीन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10वां प्रश्न। और उसका उत्तर 11वां प्रश्न आता है बच्चों, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। और क्या है वक्तव्य? कह है अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित कर देते हैं। और कह है यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। और अगला है यहाँ पर गै वाला आपके लिए, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। अगला है बच्चों गै वाला, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही हैं? नंबर एक सभी चार, दूसरा कै और गै, और तीसरा है कै गै और घ, और चौथा है यहाँ पर केवल घ। तो आपको उत्तर लिखना है, उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, चौथे वाला लिखें केवल घ, ये वाला सही है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जानते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ।